स्विगी पे जॉब करती हूं। तो गाइस यहां खड़ा हुआ राहुल, तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार साइकिल जीते हो जो हमने गिव अवे रखा था। बहुत बढ़िया भाई, लड़का खूब खींच रहा है यार साइकिल। ओह माय गॉड, ऐसे क्यों लेके आ रहे हो, खराब हो गई क्या? हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल गुरमन व्लॉग्स। तो कैसी अपनी जी नेशन, आई होप यू ऑल आर गुड फिट एंड फाइन। तो गाइज अभी निकल चुके हैं इवनिंग राइड पे और टुडे इज बैसाखी। तो आप सभी को और आपकी फैमिली को यार हैप्पी बैसाखी। तो जिन लोगों को नहीं पता भाई उनको बता दूँ, सिखिज़्म के अंदर बैसाखी एक ऐसा फेस्टिवल है, ऐसा त्यौहार है जैसे बाकी लोगों के लिए यार न्यू ईयर होता है ना। तो चलो पहले फ्यूलिंग करवाएं भाई, क्योंकि फ्यूल बिल्कुल नहीं है बाइक में। और जब लास्ट मैंने खड़ी करी थी फ्यूल भाई, मैंने दिलवाया भी नहीं, थोड़ा सा जल्दी में था। तो पहले फ्यूल दिलवा लेते हैं, फिर आप लोगों से करते हैं भाई चिट चैट। और एक बार ये भी कंफर्म करें कि पेट्रोल के रेट्स और ज़्यादा ऊपर गए हैं या नहीं। वो कह रहा है उधर लगाओ, तुम कह रहे हो इधर लगाओ। पावर चाहिए पावर। तो पहले भाई मैं एक बार चेक कर लूं, क्योंकि आज मेरे पास कैश की थोड़ी सी शॉर्टेज है। ठीक है भाई, हो जाएगा इसमें अपना शाही टैंक फुल। 1499 का। हाँ पावर डालना, जीरो आप देखो, हमें तो आप पे विश्वास है मालिक। बड़ा हरामी हो बेटा। कितने रुपए लीटर हो गया? 60 या 160? 108। अब देखते हैं, वैसे तो खाली थी बिल्कुल, अगर आ जाए तो बढ़िया है, क्योंकि पेट्रोल महंगा भी हो गया ना। कितने कितने पैसे बढ़ रहा है रोज का? अभी तो 1300 में हो गया ना, आएगा नहीं। बाहर मत गिराना, उतना ही डालना जितना वो क्या है ना, बाइक थोड़ी सी चलती वैसे है, दो पहिए पे कम एक पे ज़्यादा चलती है ना, पेट्रोल बाहर आता है फिर। बस 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 बस, बहुत है बहुत है बहुत है, बाहर आएगा। तो ये लो जी, बट ठीक है 1400 कुछ का आया है, 1500 दिए ना आपको। हाँ मेरे को गलती लग रही थी, मैं 47 देख रहा था। कोई नहीं मालिक, 1-2 रुपए की तो कोई बात ही नहीं है यार, काम ईमानदारी से होना चाहिए बस। टैंक हो गया भाई अपना फुल बाइक का एकदम। अब हमें 2-4 दिन तक तो भाई मेरे ख्याल छुट्टी मिलेगी, नहीं तो भाई जब भी निकालो फ्यूलिंग करवाने आना ही पड़ता है यार, क्योंकि मेरी राइड जो है ना इस बाइक पे बहुत लंबी लंबी रहती हैं। मैं जब भी निकलता हूँ इसको लेके कहीं ना कहीं मैं दूर ही निकल जाता हूँ, क्योंकि यार सुपर बाइक्स ना एक ऐसी चीज़ है, अगर आप में से किसी के पास भी है ना, आपको अपना मूड जो है एक बार फ्रेश करना है ना, तो आप बाइक लेके निकल जाओ और सिर्फ एक राउंड मार के आ जाओ, उसमें भी जो है ना भाई आपका माइंड एंड मूड एकदम फ्रेश हो जाएगा। वाओ मैन, अमेजिंग। बस भाई ये जब काओ आ जाती है ना बीच में एकदम से रोड के, तब थोड़ा सा डर लगता है, क्योंकि सुपर बाइक्स को देख के ना थोड़ी सी अनकॉन्शियस हो जाती है और इनको ऐसा लगता है। बाकी भाई आज बैसाखी है तो आज फैमिली के साथ भी जो है गुरुद्वारे जाना है, तो आप लोग भी यार अपनी अपनी फैमिलीज के साथ आज के दिन गुरुद्वारे ज़रूर जाना, काफ़ी अच्छा होता है। और गाइस मुझे अभी भी याद है जब नई हमने बाइक ली थी ना, और मैं मतलब इस पर जब व्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा था तो मुझे ऐसा फील होता था, मतलब कुछ बोलने का मन ही नहीं करता था, कान इतने ज़्यादा बजते थे ना इसके साउंड से। बट हाँ यार अब धीरे धीरे जो है ना, मतलब मेरे को आदत पड़ गई है इसकी अच्छी खासी, तो ऐसी कोई दिक्कत ना होती नहीं है। बाकी भाई एक गुड न्यूज़ आप लोगों को और दे दूँ, मर्चेंडाइज की कुछ नए सैंपल्स आने वाले हैं बहुत जल्दी, जैसे ही आएंगे मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। बहुत लिमिटेड स्टॉक रहेगा, मैं आप लोगों को पहले क्लियर कर दूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसा ही हुआ था भाई, जैसे ही स्टॉक हमने लाइव किया था सारा स्टॉक जो है अपनी जी नेशन ने आउट ऑफ स्टॉक कर दिया था, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा था। बट इस बार थोड़ा सा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं जो हूँ ना भाई डिज़ाइन चाह रहा हूँ कि कुछ डिफरेंट लेके आऊँ, कि मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि यार मुझे देखो क्वालिटी पे बिलीव है, मैं क्वांटिटी पे इतना बिलीव नहीं करता। मैं शुरू से ही चाहता हूँ जी नेशन जो भी वेबसाइट से परचेज करे उसको बेस्ट क्वालिटी में मिलना चाहिए। कल का व्लॉग जो गाइस हमारा था इतना ज़्यादा लंबा हो गया, आज मेरा व्लॉग करने का बिल्कुल भी मन नहीं था,
बट स्टिल मैंने कहा नहीं यार, एक बारी मूड को फ्रेश अप करने के लिए एक छोटा सा राउंड तो भाई मारना बनता है। बहुत सारे भाई बोलते हैं कि भाई आप हमेशा व्लॉग करने निकलते हो तो इवनिंग में ही क्यों जाते हो, डे टाइम पे आप अपना व्लॉग क्यों नहीं बना लेते। देखो भाई, डे टाइम पे बाइक पे व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दिल्ली में गर्मी ऐसी है ना भाई, आप निकलोगे ना आपको पूरे हैंड्स पे, पूरी बॉडी पे जो है ना गाइस, टाइनिंग हो जाएगी। तो इसीलिए भाई थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। बाकी देखो भाई, चाहे दिन में आए, चाहे रात को आए, चाहे रात को 3 बजे व्लॉग आए, बट भाई आप लोगों को बोला है डेली व्लॉग आएंगे तो डेली व्लॉग आते हैं। मुझे पता है कल वाला व्लॉग हमारा 2-2.5 बजे डला रात को, बट ठीक है यार, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े से कम लोगों तक वो वीडियो पहुंच पाई। बाकी भाई कोविड भी वापस आ गया है, काफ़ी सारे केसेस दिल्ली के अंदर वापस से स्टार्ट हो गए हैं। अभी पीछे तो आप लोगों को पता है मास्क बंद कर दिया था दिल्ली गवर्नमेंट ने, बट अब दोबारा से मास्क जो है भाई लगाना पड़ेगा, मास्क का चलान होगा नहीं तो। तो थोड़ा सा भाई प्रिकॉशंस वगैरह लो। पिछले 24 घंटे के अंदर ही केसेस काफ़ी ज़्यादा अप हुए हैं। उम्मीद करते हैं भाई कि वापस कोविड वाला सीन ना हो, क्योंकि यार कोविड वाला सीन होता है ना भाई, सच में लोगों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है और हर बंदा और सब चीज़ें ट्रबल हो जाती हैं। तो इसलिए अगर कोविड वाला सीन ना ही आए तो बहुत अच्छा है भाई। बाकी थर्ड वेव तो गाइस आ चुकी है, अब अगर आएगी तो वो फोर्थ वेव होगी। कोविड देखो भाई कैसा वायरस आया है कि मतलब कभी भी जो है एकदम ख़त्म हो जाता है और कभी एकदम से वापस आ जाता है। क्योंकि क्या हुआ ना, इस बारी बच्चों के स्कूल्स खुल गए, जो कि यार नहीं खुलने चाहिए थे अभी, जब तक ये कोविड प्रॉपर ख़त्म नहीं होता। जैसे स्कूल्स वगैरह ओपन हुए तो बच्चों के स्कूल्स में भी कोविड वगैरह काफ़ी निकला है। थैंक यू भाई। और क्या हुआ, बड़े थक गए यार, बहुत सांस चढ़ गई आपको तो, पीछे करते हुए आया था। अच्छा यार, एक्चुअली सॉरी, मुझे बाइक के साउंड की वजह से ना आपकी आवाज़ नहीं सुनाई दी। कोई बात नहीं। और कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। क्या करते हो? बहन मिलना चाहती है आपसे। अच्छा, आपकी सिस्टर मिलना चाहती हैं, कोई बात नहीं, मिलवा देना नेक्स्ट टाइम। तो भाई यहाँ साहिल आ गया अपनी गर्लफ्रेंड को मिलके। भाई बस कर, कम डेटिंग कर ले, थोड़ी सी सुधर जा। हाँ हाँ खिंचवाओ ना, फटाफट करवा लो, मेरे को निकलना है यार। लो यार मैं ही खींच देता हूँ, आओ। ठीक है, चलो ओके। तो गाइज आज हम जा रहे हैं अपने एक सब्सक्राइबर को साइकिल गिव अवे करने, क्योंकि हमने गिव अवे जो है भाई दोबारा रखा था। जो सब्सक्राइबर गिव अवे जीते थे उनके पास हम गए, सब चीज़ पूछी, बट उन्होंने साइकिल लेने से मना कर दिया। कोई इशू नहीं है भाई, अगर उनको नहीं चाहिए था बट उनको गिव अवे में पार्टिसिपेट भी नहीं करना चाहिए था, बट कोई दिक्कत नहीं है भाई, हमने गिव अवे दोबारा रखा था। तो उसमें से जो गिव अवे जीते हैं वो जीते हैं राहुल। तो अभी हम सीधा राहुल के पास जा रहे हैं, उनको साइकिल गिव अवे करेंगे और देखते हैं उनके रिएक्शंस वगैरह कैसे रहते हैं कैसे नहीं। और बाकी जो भाई कह रहे थे कि भाई एक बार बाइक का टॉप स्पीड टेस्ट करो कितनी जाती है, तो गाइस पहले आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ कि आप लोगों को क्या लगता है कि ये साइकिल की टॉप स्पीड कितनी होगी, या मैक्स टू मैक्स ये कितनी जा सकती होगी। और आज गाइस मेरे कैमरा की बैटरी थोड़ी सी डाउन है, बट अगर प्रॉब्लम आएगी तो हम थोड़ा बहुत फ़ोन से भी शूट कर लेंगे, बाकी जितना होता है हम ऐसे ही व्लॉग बना लेते हैं। और लास्ट वीडियो में गाइस आप लोगों ने देखा होगा, हमने जन्नत जी का हेयर कलर भी चेंज किया है। तो काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि आप हेयर कलर बार बार चेंज करते तो क्या हेयर वगैरह डैमेज नहीं होते, तो मैं उन लोगों को बता दूँ गाइस, यहाँ पर देखो भाई कितनी तगड़ी चेकिंग चल रही है, बीच में ही खड़े हुए हैं रोड के, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये सब चीज़ों को भाई बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है और बहुत अच्छे से देखना पड़ता है, नहीं तो क्या होता है ना गाइस, होता कुछ नहीं है। जब आप रूटीन में कलर बार 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 करवाते रहोगे और अब उसकी केयर नहीं करोगे तो क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका हेयर फॉल एंड ऑल स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि बालों में बहुत ज़्यादा कलर वगैरह करवाएं। देखो वो ये गलती कर चुकी हैं तो इसलिए हम चेंज करवा देते हैं, और जिस पर्पज़ के लिए हमने उनका कलर करवाया था वो पर्पज़ हमारा कम्प्लीट हो गया, 1 से 1.5 महीना हो गया कलर करवाए। और जो रेड कलर होता है या ऑरेंज कलर होता है, ये सब जो है गाइस टेम्परेरी कलर होते हैं। साहिल का ही आई गेस फ़ोन आ रहा है तो एक बार उससे पूछ ले। हाँ साहिल, अरे गोल चक्कर से राइट ही तो हुआ हूँ मैं, बस वहीं से सीधा सीधा आ जा यार, साथ साथ रहना, तेरे को बोला तो था भाई। कहाँ रह गया था तू? पीछे ट्रैफिक का। पता है सब्सक्राइबर के भी इतनी देर से कॉल आ रहे हैं यार, क्या साइकिल चल नहीं रही क्या तुझसे? बहुत टाइम बाद चलाई है ना, लास्ट टाइम तो चलाई थी। तो चलाया करना भाई, तेरी तो उम्र है साइकिल चलाने की। तो गाइस यहाँ खड़ा हुआ राहुल। हाय भाई, कैसे हो? कॉन्ग्रेचुलेशन यार, आप साइकिल जीते हो जो हमने गिव अवे रखा था, काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स करे आपने।
तो क्या कहना चाहोगे आप? बड़ी मस्त साइकिल है। चला के देखोगे? करते क्या हो वैसे तुम? मैं स्विगी पे जॉब करती हूँ। अच्छा, स्विगी में जॉब करते हो, ठीक है। तो अभी मतलब कैसे जाते हो स्विगी में आप जॉब करने? वो दादा की साइकिल पड़ी है, उसी पे चला जाते हैं। अच्छा, दादाजी की साइकिल पे जाते हो। चलो, अब आपको दादाजी की साइकिल पे जाने की जरूरत नहीं है, आपने बहुत अच्छे कमेंट्स करे थे। तो साहिल, एक बार इनको साइकिल दो यार, ये साइकिल चला के देखेंगे। आ जा, तू मेरे पीछे बैठ जा, अच्छे से चला के देख लो भाई। तो गाइस, राहुल देख लो भाई, साइकिल चला रहा है। ब्रेक को ना इसको छोड़ना पड़ता है, उसको समझा दे। इसमें ब्रेक जो है ना, हमने चेंज करी हुई है। मैं बताता हूँ, ऐसे क्यों लेके आ रहे हो, खराब हो गई क्या? नहीं, ब्रेक लग गई। हल्की सी जाम हो रही है ना, देखो इसमें हमने ब्रेक्स जो है ना दूसरी डाली हुई है। जब भी ऐसे हो ना, आपने इसको पकड़ के हल्का सा ये आगे पीछे करोगे, बिल्कुल फ्री हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ना, इसकी जो हमने ब्रेक्स है ना, वो आफ्टर मार्केट लगाई हुई है, तो इसीलिए इसमें ब्रेक्स को ना थोड़ा सा समझना पड़ता है एक बार। बाकी साइकिल बहुत ज़्यादा औसम है, मुझे पता है भाई अगर जॉब कर रहा है स्विगी की, तो यार इसको बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी ये साइकिल की। इसलिए हमारा जो भी विनर बना ना, पहले मैंने उनसे पूछा कि आप क्या करते हो, फैमिली बैकग्राउंड वगैरह क्या है, क्योंकि यार देखो जिन लोगों को रिक्वायरमेंट नहीं है तो वो लेके भी ये चीज़ क्या करेंगे। बाकी जिसको ज़रूरत है इस टाइम पे, उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब ठीक चल रही है? तो भाई देख लो, राहुल सही खींच रहा है साइकिल। हाँ राहुल, हो जाए फिर मेरे साथ एक रेस, हो जाए। चल रोक ले फिर एक बारी, चल रेस लगा लेते हैं भाई राहुल के साथ एक बार। अगर आप जीतते हो तो आपको साइकिल के साथ साथ 1000 रुपीज इनाम मिलेगा। 1 2 3 स्टार्ट। बहुत बढ़िया भाई, लड़का खूब खींच रहा है यार साइकिल। ओह माय गॉड, सही चला रहा है यार बंदा। यहाँ पे भी सब्सक्राइबर्स खड़े हुए हैं अपने। तो जो आफ्टर मार्केट ब्रेक्स होते हैं ना, वो हमेशा पावरफुल होते हैं थोड़े से। वो अच्छी वीडियो बनाते हैं आप, जो आपकी कमेंट्री होती है ना। हाँ जी। अच्छा, ऑडियंस से बड़ा कनेक्टेड